नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि 11 कारण हैं क्यों आपको श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है जिसे स्किल इंडिया की एक महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार ने हरियाणा के अंदर निर्माणाधीश किया है। ये पहली ऐसी स्किल यूनिवर्सिटी है जहां पे केजी टू पीजी मॉडल की कल्पना की गई है, यानी आप स्कूली स्तर से इस विश्वविद्यालय में दाखिला पा सकते हैं और इसी विश्वविद्यालय में पढ़ते पढ़ते आप पीएचडी लेवल तक जा सकते हैं। दूसरा कारण है, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है। यहाँ आप जनरल एजुकेशन को भी परस्यू कर सकते हैं, टेक्निकल एजुकेशन को भी परस्यू कर सकते हैं और वोकेशनल एजुकेशन को भी परस्यू कर सकते हैं। तीसरी बड़ी जरूरी बात, इस यूनिवर्सिटी के अंदर इन कैंपस और आउट कैंपस मॉडल के अंतर्गत प्रोग्राम्स की कल्पना की गई है। इन कैंपस यानी सारा पाठ्यक्रम आप कैंपस के अंदर लैब्स, वर्कशॉप्स और बहुत सारी विभिन्न प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत उस करिकुलम का पाठ्यक्रम को आप आगे बढ़ाएंगे। और आउट कैंपस मॉडल में योजना है जिसके अंतर्गत उद्योगों के साथ मिलकर कोर्सेज की कल्पना की गई है, जहां पे आप उद्योगों के अंदर कुछ समय और क्लास में कुछ समय, यानी ऑल्टरनेट सेमेस्टर्स आप उद्योग और क्लासरूम के बीच में चलाते रहेंगे। चौथी बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यहाँ आपको बहुत सारे कोर्सेज में अर्न वाइल यू लर्न, यानी पढ़ाई के साथ साथ कमाई के साधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी अगर आप ऐसे प्रकार के पाठ्यक्रम में जाना चाहते हैं जिसमें पढ़ाई के साथ साथ कमाई के साधन भी अवेलेबल हों, ये यूनिवर्सिटी आपको इस प्रकार का पाठ्यक्रम देती है। नंबर 5, इस यूनिवर्सिटी में फोकस स्किल डेवलपमेंट के ऊपर और अप्लाइड लर्निंग के ऊपर दिया जाता है। चाहे आप जनरल एजुकेशन में आ जाएं, चाहे आप टेक्निकल एजुकेशन में आ जाएं, या चाहे आप वोकेशनल एजुकेशन के पाठ्यक्रमों को लें, तीनों कोर्सेज में आपकी अप्लाइड लर्निंग, आपकी स्किल बिल्डिंग को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। नंबर 6, इस यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स को करते करते आपको एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स के प्रति भी जागरूक किया जाता है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है और इस प्रकार का इकोसिस्टम आपको फैसिलिटेट और सपोर्ट करता है कि अगर आप अपना कोई एंटरप्राइज खोलना चाहें, अगर आप अपना कोई स्टार्टअप खोलना चाहें, तो यूनिवर्सिटी का जो टीचिंग और लर्निंग इकोसिस्टम है वो आपके एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को भी बिल्ड करता है। 7वां कारण है कि यहाँ पढ़ाई में फ्लेक्सिबल एंट्री और एग्जिट का प्रावधान है, यानी आप किसी भी वर्ष में किसी भी कोर्स में अगर दाखिला पाते हैं, कोई अनिवार्य नहीं है कि आप वो पूरे 3 वर्ष या 2 वर्ष समाप्त करने के बाद ही विश्वविद्यालय से निकल सकते हैं। आप हर वर्ष एक प्रोग्राम की एक लेवल को क्वालिफाई करने के बाद वापस उद्योग में जाके काम कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं और जब फिर आपका मन करे आप वापस फिर से अगले वर्ष में दाखिला पा सकते हैं। हर वर्ष को किसी एक जॉब रोल के साथ कनेक्ट किया गया है ताकि हर वर्ष आप कोई ना कोई वोकेशन, कोई ना कोई स्किल आपके पास हो जिसके आधार पर आप अपने लिए कोई लाइवलीहुड या आजीविका का प्रबंध कर सकें। और इस फ्लेक्सिबल एंट्री एग्जिट में लाइफ लॉन्ग लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज हर एक को मिलती है। नंबर 8, इस विश्वविद्यालय में फिनिशिंग स्कूल का भी प्रावधान है, जिसका अर्थ यह है कि आपको शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स भी इसी विश्वविद्यालय के अंदर मिलेंगे। आपने चाहे 8वीं किया हो, 10वीं किया हो, 12वीं किया हो, ITI, पॉलिटेक्निक डिग्री, आप किसी भी कोर्स से बैकग्राउंड से आ रहे हो, इस विश्वविद्यालय में आपको फिनिशिंग स्किल्स भी दिए जाते हैं, आपको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑफर की जाती हैं और ये सारी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स
फ्यूचर स्किल्स के साथ साथ ट्रेडिशनल स्किल्स में भी दी जाती हैं। अगर आप ट्रेडिशनल स्किल्स में कुछ सीखना चाहते हैं, लोक कलाओं को आप परस्यू करना चाहते हैं या किसी फ्यूचर स्किल को आप पिक करना चाहते हैं, तो ये फिनिशिंग स्कूल, ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स के माध्यम से आपको वो सारी सुविधाएं कैंपस में प्रदान करता है। नंबर 9, इस विश्वविद्यालय ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा और बहुत ही एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का संकल्प लिया है। इस वर्ष के अंत तक एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर विद हाई क्वालिटी एंड एडवांस्ड मशीन एंड इक्विपमेंट्स इस विश्वविद्यालय में लगा होगा। मैं आपको अनुरोध करता हूँ, मैं आपको न्योता देता हूँ कि आप इस विश्वविद्यालय में आएँ और देखें कि किस प्रकार की हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पढ़ने, सीखने और कमाने का अवसर मिलेगा। नंबर 10, इस विश्वविद्यालय में जितने भी कोर्सेज हैं, अगर आप मार्केट में किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी इंस्टीट्यूशन से उसकी कंपैरिजन करें, तो आप पाएंगे सबसे कम फीस में आपको सबसे अच्छी शिक्षा इस विश्वविद्यालय के अंदर मिलेगी। और नंबर 11, इस विश्वविद्यालय के अंदर हाईली क्वालिफाइड और हाईली ट्रेन्ड फैकल्टीज को क्यूरेट किया गया है। बेस्ट इंस्टीट्यूशन, बेस्ट फैकल्टीज के माध्यम से आपको अच्छी और नवाचारी शिक्षा इस विश्वविद्यालय के द्वारा प्राप्त कराई जाएगी। मैं आपको निवेदन करता हूं, मैं आपको आह्वान करता हूं, मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप हमारी वेबसाइट पर जाएं www.svsu.ac.in और आप देखें विभिन्न प्रकार के कोर्सेज आपको उपलब्ध कराए गए हैं। आप चाहें तो PhD में एडमिशन ले सकते हैं, आप चाहें तो MTech में एडमिशन ले सकते हैं, आप चाहें तो BTech में एडमिशन ले सकते हैं, आप चाहें तो MBA, BBA में भी एडमिशन ले सकते हैं, आप चाहें तो BVOC में एडमिशन ले सकते हैं, MVOC में एडमिशन ले सकते हैं, DVOC में एडमिशन ले सकते हैं, आप डिप्लोमा में भी एडमिशन ले सकते हैं जो एक वर्ष का है, आप सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। इस विश्वविद्यालय ने विभिन्न प्रकार के कोर्सेज जो 6 माह से लेके 3 वर्ष तक स्प्रेड होते हैं, उन सारे कोर्सेज में बहुत सारे एडवांस्ड इमर्जिंग एरियाज में, चाहे वो रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है, मैकेट्रॉनिक्स है, टूल एंड डाई इंजीनियरिंग है, हेल्थ केयर, बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, रिटेल, सेल्स, हर एक क्षेत्र में आपको इस विश्वविद्यालय में कोर्सेज मिलेंगे। आपको एग्रीकल्चर के अंदर भी नवाचारी कोर्सेज मिलेंगे जिसमें एग्रीकल्चर साइंस के साथ साथ आपको एग्रीकल्चर वोकेशंस के बारे में भी अपस्किल कराया जाएगा। आइए, मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप विश्वकर्मा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जाएं और वहां देखें कि विभिन्न प्रकार के कोर्सेज में आप कहां एडमिशन पा सकते हैं। आपने अगर 8वीं की है, 10वीं की है, 12वीं की है, ग्रेजुएट हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं, आप इस विश्वविद्यालय में एडमिशन पा सकते हैं। नमस्कार।